नमस्कार दोस्तों, आज 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। आइए दोस्तों जानते हैं आज जाजपुर मंडी में आलू के क्या कुछ बाजार चले। राम राम बाबू जी। राम राम बेटा। राम राम। क्या हो राणा जी, कहाँ हैं आज? राणा जी मध्य प्रदेश गए हैं जी। अच्छा, एमपी में गए हैं जी। क्या कुछ बाजार चले बाबू जी आज? बाजार दोपहर से शुरू हुई थी हाँ जी दिल्ली में। हाँ जी, बारिश तो सुबह रात की चल रही है जी, अभी सुबह बंद हुई है। और बाकी अलीगढ़ इगलास में बहुत बुरा हाल है बारिश से, तो बारिश की वजह से अराइवल भी कमी आई है मंडी में। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ जी आज? आज है 76 गाड़ी है बेटा टोटल। अच्छा जी। हाँ, 76 गाड़ी में जिसमें कि है 18 चिपसोना है, 15 सूर्या है, एक डायमंड है, 21 गाड़ी स्टोर है, 12 लाल है, 3 पंजाब, 1 संभल है। अच्छा, ऐसे मिला के 76 गाड़ी है और 13 गाड़ी कल की बैलेंस थी। अच्छा, और बाजार इस टाइम जो है हम लोगों ने 50 से लेकर 60 70 80 रुपये तक ऊंचा बोल रहे हैं। अच्छा जी। और अभी ग्राहक रुक नहीं रहा, क्योंकि ग्राहकों का भी कल दोपहर से बारिश शुरू हुई थी बाजारों में। हाँ जी, बिल्कुल फुहार पड़ती रही है, बूंदाबांदी होती रही है, मुझे लग नहीं रहा इनके बाजार भी लगे होंगे कल। हाँ जी, माल बिके नहीं होंगे ज़्यादा, और जिनके पास कमी होगी वो आएंगे खरीदने, तो कुल मिला के बाजार टाइट रहेगा, 50-60-70 रुपये ऊपर ही रहेगा। अच्छा, जो आम दिनों में कल या परसों का। अच्छा जी, ठीक है ना, तो अराइवल तो कंट्रोल में ही है, और उसके बाद कल शनिवार भी है। हाँ, और पीछे भी माल सूख नहीं रहे कोल्डों में भी, मुझे नहीं लग रहा कल को भी कोई अराइवल ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, कुछ किसान भाई या हमारे आड़ती भाई कुछ गीले की गाड़ियां अगर लोड करवा लें तो हो सकता 5-10 गाड़ी बढ़ जाए, लेकिन अभी गीला बिक नहीं रहा, लेकिन बिकना चालू हो जाएगा। अच्छा जी। अब आपको मैं आज, राणा जी तो है नहीं, फिर भी चलो रेट तो अभी इतने खुले नहीं हैं, रेटों की क्या बात करनी है, मतलब 10-20-50 रुपये 60 रुपये तक का बाजार अप रहेगा। अच्छा, हर आलू में। अच्छा जी। जो 37-97 आलू हल्के थे 900-950 रुपये के बिकने लग गए थे, वो 1000-1010-20 रुपये बिकेंगे। अच्छा जी। जो बढ़िया 1050 के बिक रहे थे उसका समझो आज 1100 रुपये रेट है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बढ़ने चाहिए जी। तो ऐसे ही गोली गुल्ले भी तेज है, हाइब्रिड भी तेज है, जो हाइब्रिड 700-750-800 रुपये बिकने लग गए थे वो भी आज 850-900 पहुँच जाएंगे। तो अच्छा, हर आलू में बाजार बढ़िया देखने को मिलेगा आज। तो मैं एक राणा जी के प्रेमी हैं, डॉक्टर दुली चंद जी। हाँ जी, हाँ जी। कल उन्होंने मुझे फ़ोन करा, मैं फ़ोन उठा नहीं सका, कहीं बिजी था। हाँ, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भेजी है, तो हाँ, वो मैं सभी अपने किसान व्यापारी भाइयों को और अपने दिल्ली के आड़ती भाइयों को भी सुनाना चाह रहा हूँ। देखिए, 12 तारीख 9 महीना 2024 शाम का टाइम है, रात का टाइम है। आज दिल्ली में एक साल में रिकॉर्ड टूटा, इतना बैलेंस कभी नहीं बचा जो आज बचा है एक साल के अंदर। उसका आगे बोला जाए तो हो सकता है इससे कम हो, पर एक साल से हम देख रहे हैं दिल्ली के आड़तियों ने कमाल करके दिखाया। भगवान इनकी उम्र बड़ी करे और ये आगे चल के तेज़ी में माहौल में किसानों को, व्यापारियों को, कोल्ड स्टोर वालों को फ़ायदा करें। ऑडियो थी, मुझे भी सुन के अच्छा लगा, मैंने कहा चलो सबके साथ बात शेयर करनी चाहिए। बढ़िया बात है जी। हाँ, तो बाकी मौसम तो अभी भी खराब है। चंद जी पुराने बहुत, वैसे आलू के बहुत जानने वाले। हाँ हाँ हाँ, तो मौसम खराब है अभी भी देखो, लेकिन बारिश नहीं है। अगर बारिश आज जहाँ रुकती है दिल्ली के अंदर, अच्छा, तो शाम को खूब जोरदार बिक्री होगी बाजारों में आलू। अच्छा जी, खूब जोरदार जिसको होगी कल डबल मंडी वैसे होगी जी, बढ़िया। हाँ, तो आज शाम को अच्छी बिक्री होगी बाजारों में, जब हमारे ग्राहक भाइयों के आलू बिक जाएंगे तो कल को अपने आप दौड़ते हुए आएंगे और बाजार अच्छा रहेगा कल भी। अच्छा जी, और कुछ भाई? बस ठीक है। देखो, हम लोग किसान भाई को ना बिल्कुल ऊपर भी नहीं बढ़ाना चाहते, उसको ये भी नहीं कहना चाहते कि आलू को एकदम बेच दो, ये कुदरत है, कुदरत बहुत कुछ कराती है। अब कल अलीगढ़ शहर डूबा हुआ दिखा रहे थे, आज खंदोली की वीडियो आ रही है मेरे पास, ऐसे लग रहा है जैसे समंदर हो वहाँ, इतना पानी है। अब ऐसी बारिशें, अब जैसे
होशियारपुर के अंदर ऊना के अंदर 15-16 तारीख तक मौसम का बदलाव लिखा हुआ है। कहीं वहाँ ऐसी हो जाए, कुछ आलू लेट हो जाए, फसलें लेट हो जाए, थोड़ी बहुत तो हुई हैं, तो ये कुदरत कुछ भी करा सकती है। लेकिन मैं फिर भी किसान भाइयों को कहूँगा कि बहुत ज़्यादा भयंकर तेज़ी में ना आए, क्योंकि साथ साथ समय भी घटेगा, समय घटता है और आगे जो आलू बोया होता है उसमें बारिश से कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन 15-20 दिन 25 दिन बाद जब मौसम ठंडा होता है तो आलू एकदम बढ़ता भी है। बोया हुआ आलू जो पैदा होता है उसकी मोटाई बड़ी ज़ोर से बढ़ती है, क्योंकि पंजाब होशियारपुर ऊना से तो हमारे वैसे ही मशहूर है, वहाँ के लोग 55-60 दिन में आलू को खोद के दिल्ली में ले आते हैं, तो वो 55-60 दिन में तैयार हो जाता है। तो इसलिए जिसके पास जो ज़्यादा मात्रा में स्टॉक है वो अपना आराम से बेचें, जिसके पास कम है वो उसको अपना 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके आलू को बेचते जाएं। ब्रेक नहीं लगानी, आलू को रोकना गुनाह है, रोकना नहीं है इसको बिल्कुल भी। 15-20 नवंबर तक आलू को ख़त्म करना है कोल्डों से, तो ये सबके लिए। नए आलू कब आएगा जी? फिर नए आलू वैसे नवंबर के पहले हफ्ते आ जाता है यहाँ पे। अच्छा जी। अब पहले हफ्ते नहीं आएगा तो दूसरे हफ्ते आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये है कि एकदम से जोर नहीं पकड़ेगा, धीरे धीरे आएगा। एक 15-20 दिन की ऑक्सीजन मिली है कोल्ड स्टोर जो जिन्होंने स्टॉक कर रखा है किसान भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने, तो वो एक ऑक्सीजन है, वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती, 10-15 दिन की है, तो उससे कोई इतना अंतर नहीं आएगा कि आलू को रोक लिया जाए। आलू को रोकना नहीं है, ब्रेक नहीं लगानी, आलू को बेचते जाना। धन्यवाद भाजी, बहुत धन्यवाद जी। अपना कॉन्टैक्ट नंबर? हमारी फर्म है राम लोवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 98111-55767। और बाज़ार आज अच्छा रहेगा और कल इससे भी बढ़िया रहेगा। अगर आज शाम को बाजारों में बिक्री होती है आलू की, मौसम ठीक रहा ना जी, मौसम खुल गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।